गुड मॉर्निंग क्लास 12 बाल मंदिर बाड़मेर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है आपका। आज से हम लोग हमारे वीडियोस इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सिलेबस आप लोगों को पता है कि सिलेबस जो है हमारा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई चेंज हो चुका है। पिछले साल चेंज हुआ था 9th और 11th क्लास का और अब चेंज हुआ है 10th और 12th क्लास। तो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमारे दो किताबें हैं, हमारी जो बुक्स हैं पढ़ने के लिए वो दो है। जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक इज फ्लेमिंगो। फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, ये हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है। और अभी जो सिलेबस है अब इसमें चैप्टर्स हैं, टेक्स्ट बुक है तो प्रोज सेक्शन भी है और पोएट्री सेक्शन भी है, प्रोज सेक्शन भी है और पोएट्री सेक्शन भी है। तो प्रोज प्रोज का मतलब आप लोगों को हमेशा बताया जा चुका है कि प्रोज मीन्स गद्य। आपके जो लेसन है वो है प्रोज, कहते हैं उसको वी कैन से प्रोज गद्यखंड, और पोएट्री पद्यखंड पोएम्स। लेट मी स्टार्ट अ फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, यानी हमारी टेक्स्ट बुक का हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन अब आप लोग ये माइंड कर लीजिएगा कि फ्लेमिंगो जो है वो हमारी टेक्स्ट रीडर है, टेक्स्ट बुक है। दूसरी जो बुक होती है वो होती है सप्लीमेंट्री रीडर, वो जो बुक होती है वो होती है सप्लीमेंट्री रीडर। एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक और इस किताब का जो फर्स्ट लेसन है, इस बुक का जो फर्स्ट लेसन है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन, लेसन फर्स्ट जिसका नाम क्या आप बोलोगे कि फर्स्ट लेसन इज लास्ट लेसन, कैसे कि फर्स्ट लेसन जो है उसका नाम है द लास्ट लेसन। हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब इस बुक में सिलेबस के जो चेंज कर दिया है हमारा, लेकिन सिलेबस चेंज करने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रोज सेशन जो है हमारा, उस प्रोज में 8 लेसन है हमारे। कितने लेसन है? 8 8 लेसन है। और उस 8 लेसन में भी काउंट करके अगर मैं बता दूं आपको तो आपके 6 लेसन जो है, 6 लेसन्स वो हमारे पिछले कोर्स के थे। तो अब ये सोचोगे कि हमारे पास किताबें नहीं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग पिछले साल की किताबें उठा लीजिए, पिछले साल मतलब पिछले कोर्स की किताबें उठा लीजिए। तो जो उसमें जो द लास्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन सेम, इसी हमारी फ्लेमिंगो का जो सेकंड लेसन है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि हमारे पिछले सिलेबस में भी था लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड लेसन इज डीप वाटर, जो डीप वाटर तो ये भी हमारे सिलेबस में पिछले साल था, यानी कि पिछला जो सिलेबस जो अभी तो चेंज हो गया, पिछला जो सिलेबस था उसमें भी ये लेसन था डीप वाटर। देन द रैट ट्रैप, ये रैट ट्रैप इज अ स्टोरी, ये कहानी है जो पिछले साल थी। देन इंडिगो, इंडिगो एक लेसन जो पिछले साल था। फिर है गोइंग प्लेसेस, ये भी पिछले साल था। तो 1 2 3 4 5 6 6 लेसन ऐसे हैं जिसके लिए आप लोग बुक्स तो आप लोग खरीदेंगे, लेकिन 6 लेसन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट सिलेबस के, यानी पिछले सिलेबस के। हाँ पोएम्स अलग है, पोएम्स हमारी बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो 6 लेसन है, क्या भी आप ये सोचो कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, हम लोग पढ़े कहाँ से, तो अभी से ये स्टार्ट कर दो, क्योंकि पुरानी किताबें हैं वो स्टार्ट कर दो, पुरानी किताबें हैं उनसे ही लेसन कवर करते जाइए मेरे साथ साथ और इस वीडियो के साथ साथ। तो हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो इज द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन यानी कि सबसे अंतिम
नॉवलिस्ट, उपन्यासकार फ्रेंच फ्रांस, फ्रांस के उपन्यासकार थे, नॉवलिस्ट थे। और जो अब ये कहानी जो है ये फ्रांस की है, ये उस समय की बात है जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग इंट्रोडक्ट हो जाते हैं, कहानी से परिचित हो जाते हैं कि ये उस समय की बात है जब फ्रांस जो था, द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के दो जिले, एक था लॉरेन और दूसरा था अलसास, अलसास और लॉरेन, उस पर कैप्चरिंग हो जाती है इसकी, यानी वो अधीन कर लेता है, अधीन करता है इसको जर्मनी, यानी जर्मनी का आधिपत्य हो, जर्मनी कैप्चर कर लेता है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को। एंड द टू डिस्ट्रिक्ट्स आर, वो जो दो डिस्ट्रिक्ट है, अलसास एंड लॉरेन, अलसास एंड लॉरेन। तो ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जो अपना लास्ट लेसन देते हैं उस जगह पर, फ्रांस के उस फ्रांस में, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो
that hammer.